हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं उन तमाम अपने छोटे भाई बहनों से को थैंक यू बोलना चाहता हूँ या उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि आप लोग के इतने सारा प्यार, इतने सारे कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसी के जरिए जो है कि मैं इतनी गर्मी में भी फैन बंद करके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर पाता हूँ क्योंकि आपको क्लियर सुनाई दे। ठीक, बात यह है मैंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आज तक कभी ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए कि मतलब सिर्फ अगर लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं तो उसमें कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं 10 मिनट या 20 मिनट कुछ भी कोई और बात करूं उससे अच्छा मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा दूं। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं ये वन साइड कम्युनिकेशन होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं तो अपनी बात पूरी बोल देता हूँ लेकिन आपकी बात मेरे पास नहीं आ पाती है, डायरेक्टली नहीं आ पाती, वो कमेंट के थ्रू मेरे पास आती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी तक मैंने 70-80 वीडियोस अब बना दिए हैं। अब उसमें एक कॉमन कमेंट ये भी आता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब यार इसका जवाब मैं कैसे दूं, तैयारी कैसे करें। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि तैयारी कैसे की जाए, लेकिन अभी मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ कि तैयारी कैसे की जाए तो इसमें तो मुझे जो लगेगा कि भाई ये चीज बोलनी चाहिए उसी पे मैं बोलूंगा, है कि नहीं, या मुझे तैयारी करते समय जो जो दिक्कतें महसूस हुई वो चीज मैं बोलूंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता दें कि भाई मुझे तैयारी करने में ये दिक्कत आती है या मुझे ये डाउट है मेरा या मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, या मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर आप वो मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से एक वीडियो इस पे तैयार करूंगा कि तैयारी कैसे की जाए या तैयारी करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। बहुत गर्मी है भाई, तो क्या करना है इस वीडियो में और कुछ बातें और, जैसे कि लोग कहते हैं सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, भैया एक बार आप वो जरूर देख लिया करो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 80 17 11 65 54, ठीक है, 8017116554 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। ठीक है, आप मुझ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया, अगर बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप भी किया है, ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं मेरा नाम विशाल सिंह है। ठीक है, मैंने BLLB किया था AMU सेंटर मुर्शिदाबाद से 2016 में, उसके बाद मैंने LLM किया था वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिकल साइंस कोलकाता में 2017 में। ठीक है, उसके बाद मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है, नेट मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद काफी स्टेट के मेन सेंस भी दिए हैं, ठीक, अब भी देता रहता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मेरी इतनी एज नहीं होगी कि मैं एग्जाम ना दूं, मैं एग्जाम देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप जब भी आप मुझे व्हाट्सएप करें ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, क्या कि आप अपना जो आपको जो क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम है या जो भी आप मुझे व्हाट्सएप करना है वो आप कर सकते हैं, उसके अलावा अपना नेम जरूर लिख दिया करें, नेम या आपने कौन से कॉलेज से, नेम अपना लिखा करें, अपना कॉलेज नेम भी लिखा करें। ठीक है, आप परसुइंग हैं, कर रहे हैं कि कर चुके हैं ये भी लिख दिया करें, और अपना होम टाउन कहाँ से हैं आप। ठीक है, जिससे क्या होगा, पहली बात तो ये है कि मैं आपका, आप नेम लिखेंगे तो मैं उसी नाम से आपका व्हाट्सएप पे सेव कर लूंगा। ठीक है, दूसरी बात, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्त, मैंने अपने चैनल पे कुछ रियलाइज किया है, ये जरूर रियलाइज किया है कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो हकीकत में एस्पिरेंट हैं। ठीक है, वो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर प्रामा फेसा ही अगर कोई मेरा चैनल देखेगा ना तो पुरानी वीडियोस में एक छोटा सा बोर्ड है, ये तो बोर्ड अभी 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड किए मैंने, इसमें छोटा सा बोर्ड है जिसमें साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है और लाइटनिंग भी बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं। ठीक है, और उन्हें अच्छा भी लगा, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं, क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत पड़ी हुई हैं, ठीक है, हर टॉपिक पे आपको मिल जाएंगी। अब क्या होता है, देखो तैयारी का कुछ कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको टॉपिक नहीं, टॉपिक से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट निपटाने होंगे।
ठीक है। अब YouTube पे अगर वीडियोस हैं तो वो सब्जेक्ट के पूरे नहीं है, ठीक है। अगर पूरे हैं भी तो उनका कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट अलग का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी चीज पे है, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, मान लीजिए एविडेंस में डाइंग डिक्लेरेशन है या कुछ भी है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन पे है तो, लेकिन वो केवल उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या, ये नहीं बताते कि भाई एग्जाम में उसमें से क्या आता है कि नहीं, एग्जाम में क्या आएगा या क्या आना है, क्या चीज पे हमें फोकस करना है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो सब्जेक्ट मैं उठाता हूँ तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट तक कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट पे अगर जाएंगे तो टीपीए कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया टीपीए को, एसआरए 80% हो गया है, ठीक है, 80% हो गया है। उसके अलावा टॉट 80% हो गया। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, कंप्लीट ये भी मैं करूंगा, लेकिन अभी इस पे देखने वाले ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार मान लीजिए मैंने कोई, अब टीपीए है, टीपीए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो देखने वाले बहुत सारे लोग जुड़ते गए, तो उसी समय लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर ये आपसे कुछ गलती हो गई है या मेरे ये क्वेश्चन है, तो मैं उसी में ठीक करता गया और तो टीपीए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं एसआरए को क्यों नहीं कंप्लीट कर रहा हूं अभी, वैसे मैं 2-4 दिन में इसे भी कंप्लीट कर दूंगा, बहुत दिन हो गए इसे। क्या होता है कि अगर मैं एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा फिर उसके बाद मैं उस सब्जेक्ट में दोबारा नहीं जाऊंगा, क्या जाके करूंगा, है कि नहीं। मान लीजिए अगर टीपीए मैंने 137 सेक्शन तक पूरा पढ़ा दिया, अब मैं उस पर लेक्चर क्यों बनाऊंगा बाद में, है कि नहीं। इसीलिए मैं 80% कंप्लीट करके छोड़ देता हूं कि आप लोग जब देखें और जब आपको उसमें ऐसा लगे कि ये डाउट है या ये क्वेश्चन है तो मैं अगला लेक्चर जब उसे रिकॉर्ड करूं तो आपके वो डाउट भी क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, और तो कुछ नहीं है, तो यही मैं सोच रहा था कि एक वीडियो ये बनाई जाए कि कैसे तैयारी की जाए या तैयारी करते समय क्या ध्यान रखा जाए। उसके लिए मुझे आप लोग का साथ चाहिए। साथ कैसे चाहिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो या कुछ भी हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई मुझे तैयारी करने में ये जानना है या ये भी, कुछ भी हो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं संडे को इसी पे लेक्चर बना के कि कैसे तैयारी की जाए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, और कुछ नहीं, ठीक है। बस इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी ओर से। आप लोग भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा। इस समय सीआरपीसी चल रही है, ठीक है, सीआरपीसी इस समय चल रही है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, अपने बैचमेट्स के लिए, तो उनको भी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू।